दीपक जी, द्वारका विधानसभा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप इतने सेंसिटिव इशू को आप आज कवर करने आए हैं। हमने पीछे देखा है कि यहाँ पे यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने एक विकास यात्रा निकाली और अपना एक पोस्टर निकाला है जिसमें लिखते हैं कि विकास दिखता है काम बोलता है। तो हम कांग्रेसियों ने उसी की जांच पड़ताल करने के लिए आज ये पोल खोल अभियान शुरू किया है और जिसमें हम लोग विकास को ढूंढने के लिए निकले हैं कि कौन से गली में कौन सी सड़क बनी है, कहाँ पानी की पाइपलाइन डली है या कहाँ सीवर की पाइपलाइन डली है। ये जो उन्होंने एक शगुफा जो झूठ का चला रखा है, जिस झूठ से ये लोग संसार चला रहे हैं, आज क्या हो रहा है कि ये झूठ का ढोल पीट रहे, जिस वजह से लोग कहीं ना कहीं इनके बहकावे में आ रहे हैं। तो उन्हीं को आज जगाने के लिए और लोगों को इनका सच दिखाने के लिए हम लोग गली गली आज निकले हैं और हम एक हफ्ते के अंदर पूरी द्वारका विधानसभा कवर करेंगे। द्वारका विधानसभा की हर एक गली में जाएंगे आप, इनके आप देखेंगे दीपक जी, जो इनके मंत्री आते हैं या कोई भी एक कार्यक्रम करते हैं तो सिर्फ ये ले देखे, एक मंगलापुरी वार्ड में चाहे मनीष सिसोदिया जी आए थे तो इन्होंने एक पिंक अपार्टमेंट में किया, फिर इनके जो गोपाल राय जी जब आए थे संवाद कार्यक्रम तब इन्होंने गली नंबर 5 महावीर क्लब में किया। तो दो चार इन्होंने सड़कें बनाई हैं, गलियाँ बनाई हैं, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और उन्हीं गलियों में ये बुलाते हैं। तो उन दो चार गलियों से पूरी विधानसभा नहीं बनती है। विधानसभा में हमारे लगभग 3,500 गलियाँ हैं, 3,500 गलियों में 5 गली बना देने से द्वारका विधानसभा विकास नहीं हुआ है। तो आज उसी विकास को हम ढूंढने निकले और मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप मेरे साथ चलें, गली देखें कौन सी गली बनी है कौन सी नहीं बनी है और वहाँ जो लोग जो नागरिक वहाँ के हैं जो उस गली में रह रहे हैं उनसे आप पूछें, उनसे जाँच पड़ताल कर लें तो आपको सच्चाई पता चलेगी किस तरीके झूठ बनाया जा रहा है और लोग बरगलाया जा रहा है। खाली जो सरकार है ये टीवी और उसके माध्यम टीवी के माध्यम से चल रही है, खाली ये एक प्रोपेगेंडा की सरकार है, ये प्रचार की सरकार है। तमाम हम टीम आज ढूंढने निकले हैं और कांग्रेस का ये प्रयास रहा है कि सच्चा विकास करें और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं और लोगों को सच्चाई का आईना दिखाएं। जो नौजवान आज सिर्फ सोशल मीडिया पर जो देख रहे हैं उनको भी मैं जागरूक करना चाहता हूं कि भैया अपनी कॉलोनी के लिए अपने भविष्य के लिए जागरूक हो जाओ, अन्यथा आने वाली पीढ़ियाँ आपको आप पे गुस्सा करेगी। जब गली का विकास रुके तब आप क्या कर रहे थे? ये हमारी गली है, देखिए कहाँ विकास हुआ है। ये पूरी गली सारी गली खोद रखी है, आइए कोई सुनने वाला नहीं। मेन सड़क का हाल देखिए, गली तो बहुत दूर, जो मेन सड़क के कॉलोनियों को जोड़ रहे हैं उस कॉलोनी की सड़क का क्या हाल कर रखा है इस सरकार ने, आप ये देखें। आप किरायेदार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बिजली बिल का कितना फायदा मिल रहा है आपको? बिजली का बिल मकान मालिकों के लिए है फायदा, किराएदारों से तो 8 रुपए 10 रुपए यूनिट जा रहा है। द्वारका विधानसभा अनऑथराइज्ड कॉलोनी का जाल है यहाँ पे और अनऑथराइज्ड कॉलोनी में फ्रंट रोड के साथ साथ बैक रोड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, कोई बड़ी गली के सामने कोई अप्रोच कोई बड़ी गली के सामने मकान नहीं ले सकता, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो बैक साइड में भी घर लेते हैं तो ये उनका भी कुछ लोगों का मेन गेट पड़ता है, मेन डोर पड़ता है जहाँ से डेली निकलते हैं। वो देखिए किस तरीके से, अब जब बारिश हो जाती है तो लोग घर से निकल नहीं पाते। ये किड्स वैली स्कूल है, सोचिए इसके बच्चे जब निकलते होंगे स्कूल से तो देखिए किस कैसी गली सामने पड़ती है, ना जाने का रास्ता। अब ये नालियां बना ली, नालियां बना ली। 6 नंबर गली है और सबसे बड़ी गली है, सबसे मेन गली है। आप इसका हालत देखिए, विकास दिखता है काम बोलता है, एक पोस्टर लगे हैं, आज उसी को हम लोग ढूंढने निकले हैं। और ये मेरा व्यंग है कि भैया मैं खुद विकास ढूंढने निकला हूँ तमाम साथियों से, तो आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हो और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आप जमीनी सच्चाई बताएं। आप अगर सागरपुर में आएंगे गीतांजलि पार्क की जो एंट्रेंस है वहाँ पर जो ये पार्क जो वापिस आज जंगल बन गया है, वो पहले भी जंगल था लेकिन 15 साल पहले मिश्रा जी ने उसे पार्क बनाया, बच्चों के खेलने का स्थान बनाया। एक गरीब जो 5,000 का टेंट लगाकर अपनी बिटिया की शादी कर सकता था या एक अमीर 15 लाख की भी कर सकता था, पार्क उसके लिए मौजूद था, लेकिन आज वो पार्क पार्क नहीं रह गया, वापिस जंगल बन चुका है। ठीक है जी। दूसरी बात, कैंडिडेट कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, कोई भी आए, हम ये जानते हैं कि जब जब हमने मिश्रा जी को बुलाया, विनय भाई को बुलाया है, चाहे वो विधायक रहे हो, सांसद रहे हो मिश्रा जी या ना रहे हो, ये हमेशा आते हैं और आज भी देख लो, आज भी हमारे साथ खड़े हैं। विकास की आप बात कर रहे हो भैया, तो देखो क्षेत्र में विकास तो हो रहा है लेकिन कोई तरीका नहीं है उसका।
तरीका ये होता है कि आप पहले एक गली में काम शुरू करें, गली का काम पूरा करें, तब आगे बढ़े। अभी हाल क्या है, इन्होंने हर गली खोद के रख दिया, हर गली में बच्चे गिर रहे हैं, जाने की दिक्कत है, पानी कुछ भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा और क्या होना है, बस खोद दिया है सब कुछ। तो बारिश में क्या दिक्कत आएगी ये बताएंगे? पानी भरता है यहाँ पे, पानी भरता है, इनकी दुकान तक पानी आ जाता है। देखो कितना खराब हो रखा, बारिश में कितनी मुश्किल होती है आने जाने में, रोड मैं गिरी, मेरा हाथ टूट गया। बताइए, माता जी का हाथ टूट गया, अब ये बेचारी अपना काम देखे, अपने शरीर को देखे, स्वास्थ्य देखे, पानी अंदर आता है। ये है गली नंबर 1 हरिजन बस्ती, इसका आप देखे क्या स्थिति है, किस तरीके से लोग जीवन यापन कर रहे हैं। कितने साल से बन रहा है ये 5 साल से बन रहा है, 5 साल से बन रहा है ये। ये है विकास, 5 साल से लोग ठगा जा रहे हैं। देखिए क्या, जो जिनका घर है, दो दो तीन तीन बार खोद दिया, ये देखिए ये खोद के छोड़ा हुआ है, तीन तीन बार ये गली। अगर इसमें कोई गिर जाता है, आइए ये देखो भैया, छत गिर गई है, ये देखो सारा फर्ज, इतना सुरंग है, आप वीडियो देखोगे, मैं बहुत क्या कह के थक गई मैं, मेरे कोई सुनाई। इनका मकान लगभग 6 इंच नीचे झुक चुका है। मैंने केजरीवाल सर को मैंने अपनी वीडियो भेजी, मैं इतने दिनों से परेशान हूँ, 3 साल से काम चल रहा था, 15 फुट गहरा खड्डा खोदा गया, फिर 15 फुट लंबा चौड़ा खोद गया, सुरंग बनाई गई, मेरा एक पाइप टूट गया, आज क्या उसमें 40 टैंकर पानी, जेई से जवाबदारी जेई ने कहा मुझे 40 टैंकर पानी चला गया। जब इसमें दोबारा खोदा गया, मैंने मना करा भैया गिर गई, अभी बाहर से भी छोड़ दिया इन्होंने, और इसके अंदर सुरंग बनी हुई है, मेरे पास में वीडियो है, और मैं राजेश ठेकेदार को हाथ जोड़ जोड़ के कह रही मेरा पानी बंद कर दो, मेरा पानी बंद कर दो, पर मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। बोला मकान गिरा तो नहीं है, गिर जाएगा जब देखेंगे, और मैं इसमें डर के साए में ऐसी चीज उधर के मेरे से चैन नहीं आता, रात को नींद आती नहीं है, इसमें मेरा 85 लाख का लोन चला हुआ है। तो स्थिति है, मैंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, लोगों को सच दिखाने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि बहुत से लोग आज जो साथी इन्होंने देखा उनको आज पता चला हो किस तरीके का विकास यहाँ पे हो रहा है। तो मैं आज यहीं से विदा लूँगा, ये थे गीतांजलि और हरिजन बस्ती के हालात। अब मैं कल का पड़ाव PNT ब्लॉक से शुरू करूँगा, PNT और J ब्लॉक सागरपुर, जो वार्ड 31 S में है, वहाँ कल लोगों को लेकर चलूँगा और वहाँ की ज़मीनी सच्चाई लोगों को दिखाऊँगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत मेरा नमस्कार।